हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो उस समय मेरे साथ क्या क्या सिम्टम्स दिखे थे, क्या क्या लक्षण दिखे थे, वही लक्षण आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है इनमें से कुछ लक्षण आपके साथ भी दिखते हो या आपने भी अनुभव किया हो, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने किन किन सिम्टम्स को पहचाना है या क्या क्या जो मैं सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ उसमें से मैच किया है। ओके, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से जुड़ी हर एक दिन एक वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। या चाहे तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है sonysahni94। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा उस समय फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान उस समय होता क्या था कि पैर में और हाथ में दर्द होने लगता था, और ये दर्द जो होता है आपको कभी कभी जोरों का आता है या कभी कभी आपको रुक रुक कर दर्द होता है। कभी दर्द तेजी भी हो सकता है, कभी धीमा भी होता है, लेकिन दर्द रहता है। मेरा दर्द होता था, मैं बता दूँ को पैर में मेरा कभी लेफ्ट में दर्द होता था, कभी राइट में होता था। हैंड का मैं बात करूँ, हाथ का, तो कभी राइट कभी लेफ्ट, यानी कि मेरा ये चेंज होते रहता था। और किसी किसी को तो राइट में दर्द होता है, किसी का लेफ्ट में होता है, तो सबका ये अपना अलग अलग सिम्टम्स होता है। तो मेरे साथ हुआ था, यानी कि मेरा पैर, दोनों पैर में दर्द हो जाता था, कभी इसमें कभी उसमें, ऐसे करके हाथ और पैर दोनों में था। तो बड़े बुजुर्ग मेरा मुझे बता दिए थे कि आपको लड़का होगा, तो इस इन सिम्टम्स को तो मैंने देखा था, तो बाद में पता चला कि ये सिम्टम्स लड़के के टाइम ही होते थे। उस समय हालांकि कुछ पता नहीं रहता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है क्या कैसे है, उस समय जो भी महिला फर्स्ट प्रेगनेंट होती है तो उस समय उससे कुछ भी पता नहीं होता है, माँ जीरो के बराबर है मान लीजिए। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोग बताते हैं आपको, तो धीरे धीरे सब चीज़ आगे आप जानते जाते हैं। तो चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती है, जी बहुत ज़्यादा मिस लाता है। खास करके ये आपको सिम्टम दिखने को मिलेंगे उस टाइम जब आप 1 मंथ से 3 मंथ के बीच में प्रेगनेंसी में होंगे, तो क्योंकि शुरुआती होती है तो उस समय क्या होता है कि उल्टियाँ वगैरह चक्कर उक्कर आने की ज़्यादा चांस होती है। तो जो लोग के ज़्यादा उल्टियाँ चक्कर आता है तो ऐसा माना जाता है कि आपने, यानी कि बेबी बॉय को कंसीव किया है, या बेबी, और जिसको उल्टी नहीं आती उसको बेबी गर्ल को कंसीव किया है। हालांकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में उल्टी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, थोड़ी बहुत ऐसे एक दो बार चले गए, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन मेरा वैसा कुछ नहीं हुआ था, एक या दो बार शायद हुआ होगा, ऐसा लगातार नहीं हुआ। तो उस समय हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी बॉय को कंसीव किया था। तो ये सारे जो भी सिम्टम्स होते हैं धीरे धीरे पता चलता है, और लोग एक अनुभव करते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं तो वही पता चलता है। ऐसे तो हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि ये तो ईश्वर का देन है, तो ईश्वर ही जान पाएंगे कि क्या होने वाला है। सिर्फ एक बड़े बुजुर्ग हैं जो अपना अनुभव है वो बताते हैं, और जो लोग प्रेगनेंसी से गुजरे हैं तो वो लोग अपने सिम्टम्स को पहचाने रहते हैं, तो वो लोग शेयर करते हैं। जैसे मैं अपना सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपके साथ किस तरीके के कौन कौन सिम्टम्स है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। अगला सिम्टम्स हमारा ये है कि आपको यदि खाने में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो ऐसा माना जाता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा जब खाना पसंद था तो उसमें मेरा बेबी गर्ल हुआ था, जो यानी कि सेकंड मेरा गर्ल है, यानी कि सेकंड लड़की हुई है, फर्स्ट लड़का है। तो फर्स्ट लड़के के टाइम में बताओ तो ज़्यादा वगैरह समथिंग चटपटी चीज़ें ज़्यादा लाइक करती थी, तो हमने बेबी बॉय को कंसीव किया। तो आप अपना प्रेगनेंसी में जो भी अपने सिम्टम्स को पहचाना है, इसमें से कितने हैं जो आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और सॉरी बताइएगा। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और जो लोग प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है sonysahni94। आप वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पे आप चैटिंग के द्वारा कुछ भी पूछ सकते हैं।
इस चैनल में मैं डेली वीडियो एक अपलोड करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले एक अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार।